4975 and we have in our textbook 4961 minus करके आंसर दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है 2375. करते हैं, वन में से कौन सा डिजिट माइनस करोगे तो हमें मिलेगा 7. इट इज नॉट पॉसिबल, सो वन कट 11, सो वी हैव टू डू 6 कट 5. एज यू नो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4, 5 माइनस 7 अगेन नॉट पॉसिबल, 5 कट 15, इसीलिए 8, 9 कट 8, 15 में से 7 माइनस. नाउ तो 5, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2. सो वी कैन 184. नाउ वी हैव डिफरेंस 2377. We have question में ही हमारे पास है, ऐड क्या करना है, 2175 ऐड करके फाइनल आंसर फाइंड आउट करते हैं. 7 + 5 = 12, 1 कैरी ओवर, 7 + 1 = 8 + 7 = 15, 1 कैरी ओवर, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, 2 + 2 = 4. फाइनल आंसर इज 4552. We got our final answer. Let's move for the next question. It is for estimating. Estimating the number by rounding by the tens. Rounding by the tens. Now 3480. 80 को rounding करेंगे tens से. इसीलिए टेंस और वंस की प्लेस पे मैंने अंडरलाइन की है क्योंकि टेंस से हमें राउंडिंग करना है. 3018, 5 या 5 से बिगर डिजिट हो तो हम 1 के अंदर 1 ऐड कर देंगे, इसीलिए 20. एडिशन करना नहीं आता है तो आप वर्टिकली अरेंज करके भी ऐड कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फॉर सबट्रैक्शन. लेट्स सी, एस्टीमेट दिस नंबर बाय हंड्रेड्स. हंड्रेड से करना है इसलिए हंड्रेड से बाकी के नंबर्स को अंडरलाइन कर रही हूं. 7 सेम टू सेम रहेंगे. 550 से ज्यादा होते तो हम 600 कर देते, बट 590, इसीलिए 7500. यर 639, यर ऑल्सो 550 से ज्यादा होते तो 6 के बदले हम 7 कर देते, बट वी हैव 39, तो उसका एस्टिमेट करेंगे, राउंडिंग करेंगे तो 3600. अगेन वी हैव टू सबट्रैक्ट हॉरिजॉन्टली, लास्ट डिजिट 0000 रख देंगे हम. 5 - 6 नॉट पॉसिबल, 15 - 6 = 9, 7 + 6 हो जाएंगे, इसीलिए 6 - 3 = 3. तो वी गॉट अवर आंसर 3900. यदि आप ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो मेंटली तो आप वर्टिकली कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. इन द फर्स्ट मंथ ए सॉ सोल्ड 3871 आइटम्स, इन द सेकेंड मंथ इट सोल्ड 5399 आइटम्स. एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. वी फर्स्ट लेट्स स्टार्ट अवर आंसर. गिवन सेल इन फर्स्ट मंथ
सेकेंड मंथ 5,399. एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू टोटल एड. एडिशन करेंगे. Now we got our answer, and here our first exercise, revised exercise, do you remember, is complete. Next lecture mein next exercise start karenge, next topic start karenge. Stay tuned. Bye.